नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागणी वणक्कम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। दिस इज अ सेकंड पार्ट टू द डिस्कशन। G7 का पहला पार्ट हमने किया था, जो आप सभी ने देखा होगा, और अब हम बात करने वाले हैं डीप स्टेट, G7 एंड बियॉन्ड। जी सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायण जी। थैंक यू। तो ये जो है, इसके मैं सबसे पहला हिस्सा बोलता हूँ, फेल्ड प्लान ऑफ द राउंड टेबल ऑफ डीप स्टेट। तो जो श्रोता जानते नहीं है ज्यादा डीप स्टेट के बारे में, डीप स्टेट का एक क्राउन काउंसिल है जो पुराने यूरोपियन रजवाड़े थे और उनके फाइनेंसर्स, उसमें ऐड हुए हैं यूएस के जो पुराने एमएनसीज हैं, कारगिल एंड ऑल दीज, उनके बड़े बड़े एमएनसीज हैं जो सब तरफ हर सेक्टर इंडस्ट्री में उनका इन्वेस्टमेंट्स है, और जो उनके फाइनेंसर है। सो वो है क्राउन काउंसिल। उसके नीचे उनका एक कमिटी बैठता है, उन लोगों का कमिटी, कमिटी ऑफ 300 कहते हैं। ये पॉलिसी वगैरह डिसाइड, ये अपना डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कैसे करना है, क्या करना है। इनका एम है केवल कि पैसे बना के रखना, जो इन्होंने लूटा हुआ है पैसा इनके पास जो है वो इनका बढ़ते रहना चाहिए। एट लास्ट काउंट इनके 8-10 हेज फंड्स हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स इनके आप लगा लो तकरीबन $500 ट्रिलियन से ऊपर है। ग्लोबल GDP इज 100 ट्रिलियन। इसीलिए ये गुंडागर्दी कि ग्लोबल देशों के GDP से इनके पर्सनल होल्डिंग्स आर 500 times मोर। और ये हेज फंड्स, ताकि कोई एक फैमिली दूसरे का पत्ता ना काटे, क्रॉस इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत सारा क्रॉस इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ताकि सब साथ ही चलें। तो ये जो राउंड टेबल नीचे है, ये एग्जीक्यूट करता है कि भाई हम क्या पॉलिसी बनाएं, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, जिससे इनके पैसे बढ़ते रहे और हमें पैसे मिलते रहे। और इनका स्ट्रेटजी रहा था 70s से LCM, द लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट एंड मुस्लिम्स, कि उसको इस्तेमाल करके दुनिया को दबा के रखना है, जगह जगह लड़ाइयां करनी है, और हमने पॉलिसी डिक्टेट करना है, हमने मार्केट जो है ग्लोबल साउथ का कब्जा करना है, जो रिसोर्सेस हैं उसका कब्जा करना है। और G7 इसका मुखौटा रहा है 70s से। अब हुआ क्या, आप राइज करके आ गए बगैर इनके मदद से। यूरोप तो यूएस के मदद से आया था, और जो ये बाकी हैं, जापान, साउथ कोरिया, ये अदर नेशंस हैं, ये यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप के मदद से आए हैं, चाइना इंक्लूडेड। आपका जो राइज है, किसी ने आपको मदद नहीं किया है, आप अपने दम पे उभरे हो, भारतीयों के दम पे और रेजिलियंस पे आप ऊपर उठे हो। तो ये 10 साल इन्होंने देखा है, तो ये इसीलिए इतना ज्यादा इंटरफेरेंस किया था अब की बार। बट आप किस तरह से लड़ोगे इनके साथ, क्योंकि मुखौटा तो सामने इनके आपके हिंदुस्तानी और इंडियंस थे जो उनके लिए काम कर रहे थे। जिस कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जाता है, उसमें भी लकड़ी इस्तेमाल होती है। जब अमृतसर में, जब सर गोल्डन टेंपल में अमृतसर में जब वो हुए थे, तो हमारे हिंदू भाइयों ने या हिंदुस्तानियों ने अपनों पे गोलियां चलाई थी। 54 सीख की प्लटून थी जो अभी पाकिस्तान में है, 6th Frontier Force करके, उस वक्त खालसों की थी 54 सीख और गुरखे, इन्होंने फायर किया था अंदर। बट टू टेक इट फॉरवर्ड, यूज किया था इन्होंने अपना जो पैसों का सिस्टम, जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं, और दूसरा मैं बोलता हूं इकोसिस्टम, जो प्रतिध्वनि की प्रतिक्रिया है, गूंज उठता है। बॉट्स इस्तेमाल करेंगे, लोगों को पैसे दे देंगे, वो चला देंगे नैरेटिव्स, आपके चैनल्स को पैसे मिलेंगे, मीडिया को पैसा मिलेगा, तो वो अपना नैरेटिव चलाता रहेगा, उस पर डिस्कशन कर लेगा, पैनल डिस्कशन कर लेगा झूठ के ऊपर। ये इसको बोलता हूं मैं इकोसिस्टम, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब सिंपल टर्म्स में गूंज,
ताकि गूंज उठे सब तरफ शोर शराबा हो, हाय मर गए लुट गए कुट गए। अभी आप देख लो सिंपल तमाशा, जिस जिस स्टेट में एनडीए जीता है कोई मारपीट गुंडागर्दी नहीं हो रही है, जिस जिस स्टेट में इंडिया अलायंस के लोग जीते हैं वहां पे मारपीट गुंडागर्दी शुरू है। फासिस्ट कौन? गुंडागर्दी करोगे वोट लेने के लिए तो दैट इज फासिज्म। नाम गूंज के मुताबिक आप एनडीए को दे रहे हो, काम कर रही है इंडिया अलायंस, नहीं वो बोलते हैं हम सेक्युलर हैं, ये सेक्युलरिज्म है। करोड़ों अरबों रुपए का खर्च किया इन्होंने इस पर, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? ऐसा रिजल्ट आया जो उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा कि एक तरफ हार के भी जीत गए, दूसरी तरफ जीत के भी हार गए। वो कह भी नहीं सकते कि हम जीते और कह भी नहीं सकते कि हम हारे, ऐसे दुविधा में फंसे हुए हैं वो कि समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें, क्योंकि एक तरफ एक पार्टी है उसके पास इतनी सीट है कि ये पूरी अलायंस की सीट उसके बराबर नहीं है। अब उनको डर इसलिए लग रहा है कि खास करके कांग्रेस को कि ये इम्प्लोड हो जाएगा, टूट जाएगा, कि हर कोई अपने रास्ते जा रहा है। वो तो ममता दीदी तो आई नहीं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए 1 तारीख से, और यहां पे हमारे प्रांत में तो स्टालिन जी तो बैक चैनल टॉक शुरू कर चुके हैं थ्रू चंद्रबाबू नायडू। क्या कह रहे हैं सर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है मेरे लिए, आपने अलग से बताना चाहिए था। ओह माय गॉड, चंद्रबाबू नायडू के साथ तो 2 दफा मिल चुके हैं वो। सो व्हाई इज दिस सडन चेंज ऑफ हार्ट, दिस कोलावेरिटी जिसको हम बोलते हैं। हाँ, अब वो डर लग गया है ना उनको, क्योंकि ये 1 जुलाई से जैसे ही होगा तो इसकी बहन और इसके पार्टी के काफी लोग अंदर होंगे। आपकी नई न्याय संहिता लागू हो जाएगी, आईपीसी खत्म है उसके बाद। आईपीसी के आपके आईपीसी प्रोसीजर के मुताबिक यू हैड योर इंडियन पीनल कोड, यू हैड योर क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एविडेंस एक्ट, इन तीनों के भारत न्याय संहिता में ये 3 सेक्शंस ऑलरेडी पास हो चुके, क्लियर्ड बाय द प्रेसिडेंट एज एन एक्ट, 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो रहा है। इसमें जो क्रिमिनल प्रोसीजर भारत के संहिता है, नागरिक सुरक्षा संहिता, इट्स नॉट कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर, इट्स कॉल्ड नागरिक सुरक्षा संहिता। क्यों? सो दैट a common man is not troubled by the procedures and kept for long inside jail, but jo criminal hai wo phasega kyunki usko judge ko to time bound diya hua hai various cheez ke liye, most of it is the same but these have been modified as per our culture and our history, hamare itihas mein jo the usko modify karke usko dala hua hai। तो ये इसलिए डरे हुए हैं ना 2G स्कैम वाले, तो फिर अभी तक तो इतने देर तक खुले रहे, डेट पे डेट आ रहा है वो तो अंदर, अब तो सब वो दौड़ेंगे, जिन जिन का है कौन नहीं दौड़ेगा, जो जो बाहर बेल में है दे आर ऑन नोटिस नाउ, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से भारत के अंदर कुछ करने के लिए LCM का ये लास्ट चांस था। सर LCM लीस्ट कॉमन लेफ्टिस्ट चाइनीज मुस्लिम्स, जो हार्डकोर मुस्लिम्स रेडिकल्स हैं, इनका लास्ट चांस था ये। वो कहते हैं ना रात 1:30 बजे की लास्ट लोकल, तो ये इनके 1:30 बजे की लास्ट लोकल थी, क्योंकि इसके बाद अभी आगे मैं समझाऊंगा, योर स्ट्रेंथ इज ओनली गोइंग टू राइज, भारत की शक्ति, और जैसे जैसे भारत और
ताकतवर होता है, इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है, ये साइडलाइन हो रहे हैं। अभी डीप स्टेट जो है वो भी अपनी रीस्ट्रेटेजाइज कर रहा है, मैं इंडिकेट करूंगा आपको आगे। प्रॉब्लम इनका ये रहा है कि इन्होंने दो मेजर फेस के ऊपर बैंक किया था, ठीक है, एक तो मफलर मैन, दूसरा रागा, दोनों फेल हो गए, बिल्कुल फेल हो। रागा के साथ तो बहुत साल से है, ये तो जाते रहते थे यूके जहां से उनको बताते थे क्या करना है, बट नाउ दे हैव फेल्ड। एक बेल में है, दूसरा जेल में है, और जो बेल में है कब जेल जाएगा उनको वो भी नहीं पता, और कब तक बाहर आएगा उनको पता नहीं दोनों। सो इनके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे आईएनसी ने गारंटी कार्ड दे दिया साइंड, खड़गे एंड रागा हैव साइंड इट उनके सिग्नेचर्स के साथ। अब आप कह लो कि प्रिंट किया है तो आपने अप्रूव किया है ना, तभी प्रिंट हुआ है। और जो सेंसस कर रहे थे, कास्ट सेंसस एंड वेल्थ सेंसस, ये चुपचाप से कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया था कि, और ईसीआई ने भी मना किया था कि दिस इज इलीगल। अब इन दोनों के साथ और केस हो जाते, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि वो कब तक वापस आएंगे पता नहीं। दूसरी तरफ आप देख लो, उन्हीं के इलाके में जो पिछले इसमें भी बताया था, नेशनलिस्ट आ गए ऊपर, एंड 4-5 साल के अंदर तो पूरे नेशनलिस्ट आ जाएंगे, तो एलसीएम कहां जाएगा वहां पे। तो अब ये जो दिख रहा है कि काफी चर्निंग हो रहा है आपके ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में, जो ग्लोबल नॉर्थ था काफी सारा प्रॉब्लम में आ गए हैं ये ग्लोबल नॉर्थ इकोनॉमिकली, एंड कंट्री फ्रॉम ग्लोबल साउथ हैज कम अप विदाउट देयर हेल्प एंड दे आर डिपेंडिंग ऑन देम। चाइना आउट हो गया अभी, उसमें उसका एक इकोनॉमी बिल्कुल ही खत्म हो गया है, कितना छुपा ले खत्म है उसका इकोनॉमी। तो क्राउन काउंसिल जो है वो अब टर्मोइल में है कि अब ये स्ट्रैटेजी, हमारे पैसे कैसे बनेंगे, पैसे कहां से बनेंगे, ग्लोबल साउथ और आपसे बनेंगे, आप हो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, आपके पास मार्केट है ग्लोबल साउथ में, बाकी लोगों में मार्केट है लेकिन परचेसिंग पावर नहीं है, आपके पास है तो धंधा तो उसने आपके साथ करना है। तो मेरे ख्याल से अब इसके आगे ये जो एलसीएम वाली स्ट्रेटजी थी वो हट जाएगी, और नाउ देयर गोइंग टू बी नेगोशिएशंस बिटवीन भारत एंड दिस क्राउन काउंसिल या कमेटी, एंड मेरे हिसाब से 2 मीटिंग हो चुकी है, ये तीसरी मीटिंग होने वाली है, क्योंकि भारत के साथ ये एक मेजर शिफ्ट हो जाएगा पॉलिसी में कि ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तीसरी मीटिंग क्यों, न्यूज में क्या चल रहा था, अंबानी के छोटे लड़के की शादी की 2 प्री वेडिंग हुई है, इसके पहले उसके बड़े लड़के की भी शादी हुई है, बेटी की भी शादी हुई है, जहां पे शादी था वहीं पे एक मेहंदी उसके बाद शादी, ये कहां की प्रथा आ गई, 2 प्री वेडिंग इवेंट्स सर, 1, 2, 3, 4, ये तो ऐसा लग रहा है कि वेडिंग, मतलब वेडिंग करेंगे नहीं, प्री वेडिंग ही करते रहेंगे। अंबानी इज द फेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, नो रिप्रेजेंटिंग भारत, डीप स्टेट में अभी आप हो नहीं। अगर आप गेस्ट लिस्ट देखो तो कमिटी और राउंड टेबल के कई लोग आए हुए थे दोनों, इसमें जो जामनगर में हुआ और जो ये क्रूज हुआ, मेरा मानना है वहां पे बैक चैनल मीटिंग्स चल रही थी, इंडिया ने काफी दबाव डाला होगा, इन्होंने सोचा होगा इलेक्शंस में ये वीक हो जाएंगे तो हम कुछ कर लेंगे, अब G7 में उनको थप्पड़ पड़ने वाला है हमसे, समझ जाओ। अभी 2 और होंगे तो G7 में भी कुछ डिस्कशन होगा इसके ऊपर,
हमें पता नहीं और कौन कौन आने वाले हैं इटली में, और क्या क्या बातचीत होगी, और कौन कौन आने वाले हैं इटली में, क्योंकि ये चीजें ओपन में नहीं आएंगी, आपको देख के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से अंदाजा लगाना पड़ेगा। एंड एक अब तो जुलाई 12 तारीख को शादी है, कोई कह रहा है मुंबई में होगा, कोई कहता है यूके में होने वाला है। अब यूके में अनलाइकली, क्योंकि अब इलेक्शंस अनाउंस हो गए वहां पे, जुलाई में इलेक्शंस है। अभी शादी कहाँ होती है, और शादी के पहले मेहंदी है, और मेहंदी के बाद शादी है, वहां पे क्या क्या बातचीत होती है देखना पड़ेगा। एंड देन कम्स योर G20, जहां पे ये मेरे अंदाजे से ब्राजील में कुछ ना कुछ सुलह होके निकलेगा आगे के स्टेप्स। एंड दैट इज व्हाई आज के तारीख में आई गिव मोर प्रोमिनेंस टू G20 देन G7। G7 की यूटिलिटी अभी खत्म हो रही है, क्योंकि अब बाकी आने वाले हैं, तो इंडिया इज गोइंग टू स्टैंड विद G20 एंड नॉट विद G7। ये काफी डेस्परेट हो गए होंगे, फर्स्ट वाला जो हुआ था जामनगर में, उसके बाद काफी डेस्परेट हो गए होंगे, क्योंकि जो टोन एंड टेनर आप कैंपेनिंग का देखो, मार्च का वो इवेंट के बाद टोन एंड टेनर बिल्कुल ही बढ़ता चला गया, सेकेंड इवेंट के बाद और बढ़ता चला गया, किस तरह से नारेबाजी और बातचीत हो रही थी, क्या क्या कर रहे थे। एक तरह तो रागा तो कह ही रहा था कि अगर बीजेपी जीत जाएगी तो भारत में आग लग जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, केरोसिन छिड़का जा चुका है, यस, तिल्ली लगाने की देरी है। दैट वॉज द डेस्परेशन लेवल विच हैज कोलैप्स्ड, द रिजल्ट विच हैज कम आउट हैज कोलैप्स्ड इट। एक हार कर भी जीत गए, दूसरे जीत करके भी हार गए, तो वही हो ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते तो बाजीगर ने हाथ मार दिया, लेकिन हमें हमें दुख इस बात का था कि 400 नहीं आए, उन्हें दुख इस, उन्हें खुशी इस बात की थी कि 400 नहीं आए, मतलब दोनों में डिफरेंस। हम एक्सपेक्टेशन लेवल, हार के जीतने वाला, आपको 400 नहीं आया, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते। प्रॉब्लम ये है, जैसे आजकल क्रिकेट का माहौल है तो उसमें समझाता हूँ टेस्ट मैच के लेवल से, कि भाई टीम एन ने बोला था कि टीम आई को मैं 3 दिन के अंदर इनिंग्स डिफीट से हराऊंगा, हुआ नहीं। टीम आई जो है वो खेचते खेचते 5वें दिन तक ले आई, और अंत में टीम एन जो था 10 विकेट से जीत गया। टीम आई कहता है मेरी मॉरल विक्ट्री है, तुमने इनिंग्स डिफीट नहीं दी। ओ भाई साहब, 10 विकेट से तो पिट गए हो। वही प्रॉब्लम है उनका, लेकिन मेरा ये चेतावनी है कि चूहा भी अगर कॉर्नर हो जाता है तो काटने को दौड़ता है। सो ये जो डिक्लाइनिंग पावर है एलसीएम का, ये काटने को दौड़ेगा, और हमें होशियार रहना पड़ेगा। जैसे ये छोटे मोटे आपको पिनप्रिक्स दिख रहे हैं इधर उधर, जम्मू में कर दिया, कहीं और कर दिया, बाकी देश के अंदर तो, क्योंकि इसने बोल दिया था, इसलिए आप देखो NIA इतना सावधान हो गया था, कई लोगों को पकड़ लिया सब तरफ। ओके, उन सावधान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनकी जो इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम है, जो गूंज वाली सिस्टम है और जो इकोसिस्टम, वो अभी भी ग्लोबली प्रेजेंट है, अभी भी ग्लोबली प्रेजेंट है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स अभी धीरे धीरे अपना जो राइटअप है वो ट्विस्ट कर रहा है भारत की दिशा में। आजकल 1-2 आर्टिकल आए हैं जो भारत के प्रो दिख रहे हैं, बट चेतावनी है, वी हैव टू बी केयरफुल। बिग चेंज, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई ओनली रेड दी हेडलाइंस, आई हैवंट रेड दी आर्टिकल बिकॉज आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट रैग पेपर, वो तो टॉयलेट पेपर है मेरे लिए। बट मेरे दुख मेरा यही है कि हिंदुस्तानी और इंडियंस ही उस पर लिखते हैं भारत के विरुद्ध, पैसों के लिए। ठीक है, 2029 और 34 के लिए नए फेसेस लाएंगे, कोई
कोशिश शुरू रहेगी, क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है स्ट्रैटेजी और ग्लोबल ऑर्डर का, ये थोड़ा समय लेगा, 8-10 साल 12 साल 15 साल ये टाइम लेगा, इतने जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं। क्योंकि ये जो सिस्टम है आप लगा लो 1945 के बाद से चला आ रहा है, 80 साल के करीब होने वाला है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू स्टेबलाइज जो भी आप चेंज करते हो। कौन कौन होंगे? आई वॉज नॉट सरप्राइज व्हेन रघुराम राजन स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द कांग्रेस, क्या वो फेस होगा? दूसरा नाम आता है शशि थरूर, एक वो लद्दाख वाला है सोनम वांगचुक, एक अब आप पार्टी पार्टी रहती है क्या रहता है वो तो है, क्योंकि अभी तो आप पार्टी इटसेल्फ इज अंडर चार्ज शीट, पार्टी इटसेल्फ, तो क्या राघव चड्ढा कोई नई पार्टी बना के उस पर कुछ करने वाला है? अब देखना है फेस किसको लाते हैं। अब उनका प्रॉब्लम ये है, दो प्रॉब्लम, अब भारतीय चौकन्ने हो गए, दूसरा कोई पैन इंडिया उनको केस चाहिए जिससे वो बंदे को नाम दिला के खड़ा कर सकते। मफलर मैन आया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि लोग बहुत ही गुस्से में थे यूपीए से, यूपीए टू में, कि करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, इन्हें खुल के मतलब गुंडागर्दी से गवर्नमेंट करप्शन कर रही थी तो उन्होंने एक फेस लिया अन्ना हजारे जो रिस्पेक्टेबल फेस था, और उसका फेस लेके पीछे से इसको खड़ा किया मफलर मैन को। अब वो तो आंदोलन जीवी है, उसे और कुछ तो आता नहीं है, तो कोलैप्स हो गया वो तो पूरा, वही धांधलेबाजी वो भी करने लगा। अब कौन सा पैन इंडिया उनको मिलेगा बंदे को खड़ा करने के लिए? तो वी हैव टू बी केयरफुल कि क्या कहीं वो एक इस तरह से पैन इंडिया नैरेटिव तो नहीं शुरू कर रहे कि हमारे बंदे को खड़ा कर दे सामने, हु कम्स एज द सेवियर, कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं ये है मैं वो है। तो ये नए चेहरे लाने की कोशिश करेंगे, तो 2029 में भी अगर नहीं आता तो 2024-34 तक तो नया चेहरा ये लेके जरूर आएंगे, इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले। और इनकी सर एक 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 और जिनकी आदत है ना, ये नए फेसेस जो लेकर आते हैं उसकी कोशिश करते हैं कि पूरा व्हाइट वॉशिंग करके लेकर आए, उनका विकिपीडिया डीप क्लीनिंग, उनका अगर कुछ एफआईआर भी होगी ना वो भी उड़ा दी जाती है। दिस इज बिकॉज वो बहुत स्ट्रेंजली एक दो चीजें मैंने नोटिस की अरविंद केजरीवाल के ऊपर, बहुत सारे पेजेस जो अवेलेबल होते थे आज तकरीबन 1.5-2 साल पहले वो या तो है नहीं या उनमें चेंजेस कर दिए गए डीप फेक में। विकिपीडिया को मानता ही नहीं हूँ, विकिपीडिया इज अ वेरी बैड सोर्स, क्योंकि एरा गहरा नथु गहरा कोई भी आके कंट्रीब्यूट करके कुछ भी अपलोड कर सकता है, इट्स फैक्चुअली नॉट करेक्ट। मैं विकिपीडिया को यूज करता हूँ कि नीचे जो उसमें जो उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं वहां जाके देखता हूँ कि उस रेफरेंस में क्या बोला है, इज इट द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेफरेंस और देर इज अनदर सोर्स विद इन दैट सोर्स। कई दफा होता है विकिपीडिया का जो सोर्स वो देते हैं उसके थ्रू 2-3 सोर्स जाने के बाद प्राइमरी सोर्स पे पहुंचते हो, तो प्राइमरी सोर्स पढ़ के देखो कि भाई साहब असली में क्या बोला गया था और किस तरह से उनको नैरेटिव में 2-3 सोर्स के थ्रू ट्विस्ट करके यहां पे लाया गया है। दैट इज हाउ दे डू, प्राइमरी सोर्स है उसको थोड़ा ट्विस्ट मैंने कर दिया, मेरे को कोट करके थोड़ा ट्विस्ट आपने कर दिया, आपका लेके थोड़ा और ट्विस्ट किसी और ने कर दिया जो उनके नैरेटिव से मैच कर रहा है, तो फिर वो विकिपीडिया में जाके वो तीसरे वाले को दिखाएंगे एज सोर्स। दैट इज द प्रॉब्लम इन विकिपीडिया। तो विकिपीडिया यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू कीप गोइंग थ्रू सोर्स। तो विकिपीडिया में आप आज कुछ देखो, जैसे आप सही बता रही हैं व्हाइट वॉश वगैरह करते हैं, आज आप एक चीज पढ़ो 2-3 साल बाद आप उसको ट्राई करके देखो, पन्ना ही कुछ और ही लगेगा आपको, अरे यार मैंने तो कुछ और पढ़ा था ये कुछ और दिख रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो मेरी केवल यही चेतावनी है, गार्ड डाउन नहीं करना कि भाई हम ये इलेक्शन जीत गए हैं ये हो गया है ना, गार्ड डाउन नहीं करना है, क्योंकि ये
पलटवार जरूर करेंगे इन, क्योंकि इनकी रेलेवेंस जा रही है ग्लोबली। इनका गढ़ होता था यूएस, कनाडा, यूरोप। यूएस में इनके अगेंस्ट शुरू हो गया है, यूरोप में तो होल्ड ही खत्म हो रहा है इनका, क्योंकि वो नेशनलिस्ट आ रहे हैं। कनाडा एक बचा हुआ है अभी भी, दैट्स दी ओनली प्लेस लेफ्ट। तो रेलेवेंस खत्म हो रहा है उनका, कनाडा अकेला लेके क्या कर लेगा वो, क्योंकि जो रजवाड़ों के साथ इनका होल्ड था वो रजवाड़े इनके अब विरुद्ध हो गए हैं कि ये हमें पैसे नहीं बना के देंगे, इनकी यूटिलिटी खत्म हो गई है। चीन के अगेंस्ट भी इतना जा रहे हैं क्योंकि चीन की यूटिलिटी भी खत्म हो गई है। आपको बुलाया है चीन की, चीन को G7 में भी नहीं रखा था क्योंकि इनके पैसे से चीन बना है। आपको बुलाया है क्योंकि आप उनके पैसे से नहीं बने हो, उनको डर है आप अपने आप बने हो, उनको डर है कि आप निकल के आ जाओगे तो उनका होल्ड खत्म हो जाएगा, तो वो चाहते हैं। तो ये राउंड टेबल जो है डीप स्टेट का, ये बिल्कुल टर्मोइल में जा रहा है। और कुछ तो सर, किस तरीके के टर्मोइल में, सर ये किस तरीके के टर्मोइल में जा रहा है ये जो रजवाड़ों का ग्रुप है? नहीं नहीं, रजवाड़ों का ग्रुप ऊपर है, उनके नीचे उनके साथ जो पॉलिसी जो डिस्कशन करते हैं वो कमेटी है, जो नीचे स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि इस पॉलिसी को कैसे करना है, वो राउंड टेबल, वो राउंड टेबल है। ये राउंड टेबल में पूरा टर्मोइल है, क्योंकि आज तक राउंड टेबल में ये एलसीएम वाले बैठे थे, जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स, ये सारे बैठे थे वहां पे। तो ये अब चेंज हो जाएगा। बिल गेट्स तो अपनी नैया बचाने के लिए, क्योंकि ओपनली नहीं आया था भारत के विरुद्ध, जॉर्ज सोरोस तो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो तो ओपनली आ गया था भारत के विरुद्ध, तो इसलिए बिल गेट्स आया है इसके प्री वेडिंग इवेंट्स में, बिल गेट्स आया था, ठीक है। फेसबुक का मार्क ज़करबर्ग आया था। क्राउन काउंसिल में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी तक होल्ड यूके का था, अब वो निकल के मेरे हिसाब से यूएस के कंट्रोल में जा रहा है क्राउन काउंसिल। वो यूके रॉयल फैमिली इज इन वेरी बैड स्टेट, वेरी बैड। प्रिंस एंड्रू तो डॉग हाउस, क्या वो डॉग हाउस का भी जो बाहर डॉग हाउस है वहां पहुंच चुका है, उसको तो उसको जो पैलेस था उसको वेकेट करने के लिए हुक्म आ गया, क्योंकि वो एप्सटीन के केस में ही वॉज नेम्ड। वो तो काफी पैसे दिए थे इन लोगों ने टू दी विक्टिम्स। एप्सटीन वाले केस पर ब्रीफली इतना बताना चाहूंगी, एक ऐसा आइलैंड था जहां पे बच्चों के साथ बहुत गलत होता था और बड़े बड़े अमीर जाते आते थे, छोटी छोटी बच्चियां या छोटे छोटे लड़कों के साथ आप जो सोच सकते हो भयानक से भयानक वो होता था। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि इन वर्ड्स के साथ में बहुत सारी येलो कार्ड्स आ जाते हैं, तो आप जो समझ सकते हैं गंदी से गंदी और भयानक से भयानक सोच वहां पर होता था। और One of the people named, तो उसको तो अभी सारे रॉयल वो निकाल दिया, अभी वो प्रिंस रखेगा कि नहीं रखेगा, उसको आउट कर दिया। He has been told to vacate his palace. उसको टाइम दे दिया, आई थिंक एंड ऑफ दिस मंथ तक he has to vacate his palace and go out and find his own place. बाकी प्रिंस चार्ल्स has cancer and Prince William's wife Kate has cancer. They are battling cancer. They are out. Prince Charles' wife is not accepted as royalty. Diana was. Camilla is not. So at the moment, the control is going to Prince Elizabeth's sister. Queen Elizabeth's sister, late Queen Elizabeth's sister, Princess Anne. She is coordinating. Prince Harry भी UK royal family weak हो गई है, तो जा रहा है अब US की side पे सारा system. US. Prince Harry is also named in a similar sort of a case. एक popular singer है, I'm forgetting his name.
उसका भी नाम आया जिसमें प्रिंस, अभी वो इन्वेस्टिगेशन और वो सब चल रहा है जिसमें प्रिंस हैरी का नाम आया, सिमिलर लाइक एपस्टाइन, प्रिंस हैरी का भी नाम आया उसमें। सो दी रॉयल्टी इज इन टोटल टर्मोइल देयर। यूके वॉज द ओल्डेस्ट वन, दे हैड द बिगेस्ट एम्पायर, सो दे वर कॉलिंग द शॉट्स, वो तो खत्म हो रहा है, गोइंग आउट। And my reading is it is shifting, power base is shifting to the US, and the US old family MNCs are going to start calling the shots. अब कौन ग्रुप बनता है, क्या बनता है? US क्या सा strong enough है कि G7 के बाकी members को साथ में रखे? मेरे ख्याल से धीरे-धीरे G7 will lose its relevance. बिकॉज यू वॉन्ट भारत, अभी जो ये क्राउन काउंसिल है इनको किस तरह से गवर्नेंस हो रहा है ग्लोब का, उससे ढीले का मतलब नहीं। उनको मतलब है कि मेरे पैसे ग्रो होने चाहिए, मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप। दैट इज वॉट द डीप स्टेट इज ऑल अबाउट एट द मोमेंट। एंड लाइक आई सेड, पैसों की गुंडागर्दी है, क्योंकि 100 trillion dollars तो ग्लोबल जीडीपी है, इनके पास तो 500 से ऊपर ट्रिलियन डॉलर्स है, इसीलिए पैसों की गुंडागर्दी है। लेकिन अब ये 500 ट्रिलियन डॉलर लेकर अचार डालेगा अगर भारत नहीं आया तो, और ग्लोबल साउथ के आप वॉइस हो गए हो, तो ग्लोबल साउथ और भारत साथ नहीं आया तो वो क्या करेगा, अचार डालेगा, उसका लॉसेस होने लगेंगे उसको। दैट इज वाई ही इज कमिंग अप टू यू, ही कांट प्रेशराइज यू, क्योंकि आपकी ग्रोथ आपके मेहनत से है। सो ही ट्राइड टू टॉपल द गवर्नमेंट कि भाई एमेनेबल आ जाए, सब कुछ हो जाए, अब वो हुआ नहीं और उनको लगता नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई सेड नया फेसेस लाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। एंड नाउ इट्स अ क्वेश्चन, क्लियर केस है क्वेश्चन ऑफ नेगोशिएशन। उनको और ध्यान भी रखना चाहिए फेसेस को बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, बिकॉज अगर अरविंद केजरीवाल के समय को देखें सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ऑल ऑफ अ सडन इंडिया अगेंस्ट करप्शन और पूरा हाई, पूरा मीडिया, पूरा देश, पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स सब, तो इस तरीके का जब पैरेलल कोई और हम देखें किसी को उठते हुए, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि वहां पे करप्शन का पैन इंडिया केस हो गया था, सो यू कुड क्रिएटर इंडिया अगेंस्ट करप्शन फ्रंट। आज क्या करोगे आप, इंडिया अगेंस्ट, भारत अगेंस्ट व्हाट? सो दैट इज वन प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड कि सोनम वांगचुक जो रो रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, उससे कुछ हुआ ही नहीं। और दोनों के दोनों, वेदर यू टेक सोनम वांगचुक और अरविंद केजरीवाल, ये मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है इनको, तो इस तरह से छोटे छोटे अवार्ड्स अवार्ड दे दा के इनका प्रोफाइल बनाते हैं तगड़ा। सो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम एरिया दे विल फाइंड दैट टुडे इट्स अ क्वेश्चन ऑफ गिव एंड टेक। नाउ नेगोशिएशन से हार्ड नोस नेगोशिएशन होने वाला है कि भाई क्या करना है, बिकॉज आपको भी पैसे की जरूरत है और उसको भी आपके मार्केट की जरूरत है। और आपने बोला है आत्मनिर्भरता, काफी कंपनी अब आपके यहां आके बनाने लगी। एंड द बिगेस्ट इंडिकेटर, इनके जो हेज फंड से 8-10 हैं, दो सबसे बड़े उनके हैं वैनगार्ड और ब्लैक रॉक। आफ्टर यूएसए द बिगेस्ट ऑफिस वॉज इन चाइना, बंद कर दिया, दीज ऑफिसेस हैव शिफ्टेड टू इंडिया। सो देयर इज अ बिग इंडिकेटर, भारत इज गिवन अ टेक आपके रिलायंस, इन सब में वो इन्वेस्ट करना शुरू करें, बट यू आर नॉट परमिटिंग देम टू गो मोर देन 5-10%, 7-1% कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया। अभी वो नेगोसिएशन है, क्योंकि एक चीज होता है ना, अगर आप नॉर्मल नॉर्म होता था, अभी पता नहीं फाइनेंशियल रूल्स क्या निकले हैं सेबी के, 25% से ऊपर आपके स्टेक्स हैं तो यू आर अलाउड टू हैव योर वन ऑफ योर डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। तो जैसे ही डायरेक्टर आता है तो पॉलिसी फ्रेमवर्क में फिर आप एडजस्ट कर सकते हो।
तो विल दे परमिट, विल दे नॉट परमिट, हाउ मच वी परमिट, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये अभी ये नेगोशिएशंस चलेंगे. एंड समथिंग आई फेल्ट इज विल गेट फाइनलाइज्ड इन द नेक्स्ट G20 समिट. यानी क्या फाइनलाइज हुआ वो G20 समिट में क्या क्या बातचीत होता है उधर से पता लगेगा. एंड द काइंड ऑफ मनी विच स्टार्ट्स कमिंग इन एज इट इज व्हाई आई से कि एक्सेप्टेंस आ गया है कि देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर लाइक अदानी डील्स विद लॉट ऑफ पोर्ट्स. Like the biggest port in India is Adani's private port. A lot of places where they are handing over the port to Adani. Colombo, one portion of the port complete has been handed over to Adani. Greece is in talks. Piraeus port, which the Chinese had made, they want Adani to take it over. Because they like the way the Indians work. अफ्रीकन्स ने भी कहा है कि भारत जब काम करता है तो अगर 100 बंदे हैं तो 7 या 8 भारतीय होंगे, बाकी ऊपर से लेके नीचे तक जो बचे 90-95 लोग हैं, राइट फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट राइट डाउन, लोकल्स को ट्रेन करके हायर किया जाता. किसी बंदे को लिया है, उसमें देखा कि स्पार्क है, बंदा अच्छा है, तो वो उसको MBA करवा के ला के रखते. चीन का उल्टा है, अगर 100 लोग हैं तो 7 या 8 लोकल होंगे, बाकी सारे उनके. तभी अफ्रीका में भी उनके अगेंस्ट में रिबेल कर रहे हैं, बिकॉज लोकल्स को जॉब नहीं मिल रहा है और उनकी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है. देयर इकोनॉमी डजंट ग्रो द मोमेंट यू आर गिविंग. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लाइव एग्जांपल. हमने ताजिकिस्तान में आईनी एयरपोर्ट जो दुशानवे के पास घीसर करके पुराना सिल्क रूट जगह है, उसके पास वो आईनी एयरफील्ड, उनका एयरपोर्ट एयरफील्ड था, मिलिट्री एयरफील्ड बहुत बड़ा था. ड्यूरिंग अफगान वॉर द रशियंस वर यूजिंग दैट एज द रोटरी हेलीकॉप्टर्स के रिपेयर बेस का, बेस रिपेयर डिपो होता था, काफ़ी बड़ा था. तो उसको हमने छोटा सा रिपेयर करके दिया था. हमारी वो टीम थी, अपनी जो BRO की टीम आई थी, वर्कर्स, हैंडलर्स, सिक्योरिटी, फाइनेंस, बजटिंग, सारे लोकल्स 8-6-7 गांव थे बगल में, उनको ट्रेन करा के बैठा के वो करते थे काम. अभी भी वो कर रहे हैं. लोगों को जिस देखा कि कंप्यूटर समझ में आता है, उन आजकल तो एक्सेल है. मैं 2005-06 की बात कर रहा हूँ. लोटस स्प्रेडशीट होता था, लोटस 1-2-3 करके आया था, तो वो सिखाया, टैलीकार्ड सिस्टम सिखाया, सारा सिखा के लोकल्स को काम मिला हुआ था. अच्छा, हमारी एक हॉस्पिटल चलती थी अफगान बॉर्डर में, फरखोर फॉर देन नदरन अलायंस, अहमद शाह मसूद की अलायंस जो हुआ करती थी. तो वो हॉस्पिटल बाद में बंद होके वहाँ के काफ़ी सारे स्टाफ इधर और एम्बेसी में आए. तो लोग खुश होते हैं कि आप कोई चीज बंद कर रहे हो तो हमारा काम नहीं जाता, हमें दूसरे जगह आप एडजस्ट कर लेते काम के. हमारे जितने ड्राइवर्स थे वहां पे हॉस्पिटल में, वो या तो एम्बेसी में आ गए या फिर वो बेस में चले गए कि गाड़ियां काफी यूज होती हैं, उन काम करेंगे. तो इसीलिए लोकल्स आपको पसंद करते हैं, और यही मॉडल हमारे प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं जब विदेश जाते हैं. तो धीरे धीरे आप देखो आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ रहा है, और ये मेरे ख्याल से डीप स्टेट और जो कमिटी है उनका, दे कांट विश इट अवे कि भाई भारत के बिना हमको पैसे मिलेंगे नहीं, बट दे हैव टू एक्सेप्ट कि जिस तरह से लूटपाट इन्होंने पहले किया था वो शायद कर नहीं पाए. They would not be able to get at that level. So they have to take a call, and that is where I say hard-nosed negotiations शुरू हो चुके हैं और चलेंगे. ये तो पिछले साल से मैं कह रहा था जब डीप स्टेट की बात कर रहे थे, time has come for us to negotiate. अब मुझे indicators ऐसे लग रहे हैं कि negotiations शुरू हो. So इनके क्या देखते हैं आगे चल के, G7 का फ्यूचर क्या देखते हैं? G7 का फ्यूचर अभी आप देख लो, जैसे मैंने कहा यूके और जर्मनी तो रिसेशन में जा रहे हैं, जापान डरा हुआ है कि दे माइट गो इनटू रिसेशन. अभी स्टैगफ्लेशन में है, बाकी सबके स्टैगफ्लेशन में है, यूएस की इकोनॉमी भी कंजर हो जा रही है.
इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है वहां पे. सो नाउ दैट इज व्हाट आई से ना, व्हेन जब आप कहते हो कि मैं G7 हूं, गुड, आप G7 है, आप डिस्कशन में टेबल पे क्या ला रहे हो? कुछ नहीं. आपकी पूरी इंडस्ट्रियल आउटपुट ही खत्म कर दी थी आपने. आपने तो पूरा आउटसोर्स करके चीन को दे दिया था. बेसिकली सेवन कंट्रीज गोइंग इनटू रिसेशन इकोनॉमिकली. आई वुड से सिक्स गोइंग इनटू रिसेशन. यूएस हैज टेकन अ बिग हिट ऑन देयर इकोनॉमी. विल इट स्लाइड टुवर्ड्स स्टैगफ्लेशन, वो देखना पड़ेगा. इसलिए भारत को हाथ पकड़ कर ला रहे हैं, आ जाओ भाई, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए. लाइक दैट इफ आई तो आपके पास आ रहे हैं. I would actually say कि भीख का कटोरा लेके आए हैं कि भाई कुछ दे दे, हमें बचा ले. Why do you think Meloni सबसे पहले भारत के साथ हेलो हाय क्यों कर रही थी? वो तो इसलिए है कि इटली का हाथ अगर हमने थाम लिया तो उसकी इकोनॉमी बच गई. फ्रांस क्यों कूद रहा है आपकी तरफ? जर्मनी has to take a call कि भाई साहब आप LCM के साथ जा रहे हो कि भारत के साथ हो. LCM के साथ हो तो थैंक यू, योर इकोनॉमी इज गॉन. भारत के साथ हो तो आ जाओ. देन यू कांट हैव LCM विद यू, यू हैव टू सॉर्ट दैट LCM आउट. जबी तो आप देख लो ना, आपका FTA UK के साथ अभी तक नहीं हुआ है. वो तो उम्मीद भी लगा के बैठे थे कि पिछली दिवाली में हो जाएगा, दैट विल बी अ दिवाली गिफ्ट. किधर होगा? जब तक आप LCM के पीछे नहीं जाओगे जो हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हैं, आपको कख नहीं मिलने वाला. कैनेडा तो हैज ऑलरेडी रिसाइंड, उनकी तो फाइनेंस मिनिस्टर तो कह रही है हम वी आर नॉट लुकिंग एट FTA विद इंडिया. ऑब्वियसली मिलने तो वाला है ही नहीं तुमको. बियॉन्ड में क्या होने वाला है कि इट इज बेस्ड ऑन दीस नेगोशिएशंस द ग्लोबल ऑर्डर विल गेट रीस्ट्रक्चर्ड. बिकॉज उनको क्लियर है दैट द ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज शिफ्टेड टू द इंडियन ओशन, वेदर दे लाइक इट और नॉट. अब एशिया पैसिफिक में नहीं है, चाइना जापान वगैरह सब खत्म हो चुके हैं. इट इज भारत एंड इट इज कमिंग हियर एंड इट हैज कम हियर बेस्ड ऑन योर ओन दम, योर ओन वर्क. सो नाउ दे हैव टू सी इन व्हाट मैनर, इन व्हाट स्ट्रक्चर. सो दैट इज वेयर आई सेड द G20 विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट. G7 विल स्टार्ट लूजिंग रेलेवेंस. And G20's importance will force the UN and other institutions to reform to this new global order. Jaise IMF hai, sab country is part of IMF. But the value of one vote of a country in IMF is not equal. USA ka jyada hai, Europeans ka jyada hai, aapka kam hai, Chin ka kam hai. India says this does not reflect the economic strength. Why should UK have more value for their vote than me? वो क्या लेके आ रहा है टेबल पे? Nothing. So all these reforms within these will start changing. India is for the main reform India is looking at in IMF is one vote and value of one for everybody. I don't think it will happen in a hurry. Then अभी ये इनका सऊदी अरेबिया का जो डॉलर एग्रीमेंट था वो आई थिंक दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ इट इज फिनिशिंग. सो द यूएस हैज टू रीनेगोशिएट विद देम सेल ऑफ ऑयल एंड डॉलर्स. यस, दैट्स अ बिग स्टेप. 50 इयर्स का वो टूर खत्म होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग ब्लो अगर नहीं होता है दोबारा. तो आई एम गोइंग टू फिनिश नाउ. जो योम किपुर वॉर के बाद साइन हुआ था, नाउ व्हाट? नाउ दे आर सेइंग कि व्हाई शुड आई सेल ओनली इन डॉलर्स, आई शुड बी अलाउड टू सेल इन ऑल अदर करेंसी. दैट वन इज सच अ बिग थिंग फॉर अमेरिका कि दे कैन इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग पीपल इन पावर टू गेट दैट डील डन because that's a huge thing. Remember when the dollar was introduced, the petrodollars came into power, the leaders opposing petrodollars were simultaneously koi chhat se gir gaya, kisi ka accident ho gaya, kisi ke family member nahi maar diya, that kind of things had happened in the past. Can he do it today? That's why I said, does he have the heft? So these are the churnings that are coming in.
जियो इकोनॉमिक जियो पोलिटिकल सो द होल ग्लोबल ऑर्डर विल चेंज एंड इट इज ऑल गोइंग अराउंड यू. यू आर एट द सेंटर, यू आर द फल्क्रम. इंडिया विल बी द फल्क्रम ऑफ द न्यू ऑर्डर दैट इज कमिंग अप. अगर ये कोशिश में कामयाब हो जाते यू वुड हैव योर फल्क्रम वुड हैव गॉन. लेकिन आप अब ये कामयाबी जो मिला है दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड सो यू विल नाउ एमर्ज एज द फल्क्रम एंड सो इट इज अप टू यू आप किस तरह से नेगोशिएट करते हो. G7 का वैल्यू धीरे 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 अगले 10-1 साल के अंदर खत्म हो जाए, कोई रेलेवेंस नहीं है. आप क्या है, आप चीन को बुला ही नहीं रहे, आज तक नहीं बुलाया. अब आज के तारीख में चाहे उसका इकोनॉमी डिक्लाइन हो रहा है, आज के तारीख में वो तो ग्लोबल नंबर 2 आप बोलते हो उसको, सुपर पावर. या नंबर 2 इकोनॉमी यू आर नॉट कॉलिंग हिम एज पार्ट ऑफ G7. एंड जो टॉप 5 में नहीं है उसको रखा हुआ, यूके को रखा हुआ. तो वही इसीलिए मैं कह रहा था कि ये तो रजवाड़ों का ग्रुप था. अभी रजवाड़े में ही उथल पुथल हो रही है, यू वहां जा रहा है. तो लेट अस सी. आई वुड बी हैप्पियर इफ वी आर एबल टू मेक अ पेनिट्रेशन. क्राउन काउंसिल में तो नहीं होगा बट एटलीस्ट इन द कमिटी 300 ग्रुप. Committee of 300 may we should be able to penetrate and keep our people so that we control the policies and of course we should have a high seat in the round table so that we can control the strategies. ये दो जगह हमें पकड़ बनानी है. अब कब तक पकड़ आता है इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा समय लगेगा. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट टू सिट एंड प्रिपेयर फॉर दीज टॉपिक्स. आप लोगों को इनलाइटन करने के लिए, आप लोगों को अवेयर करने के लिए एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है. सर का ट्विटर हैंडल मैं डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में, प्लीज फॉलो हिम देयर. सर थोड़ा कम ट्वीट करते हैं बट जब ट्वीट करते हैं तो अच्छा ट्वीट करते हैं. सो इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय भारत.